हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 10 करेंगे, विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन, सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने पढ़े थे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, और जो सेम प्लेन का इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू, तो ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हम यहाँ पे बात करें मीडियम, तो हमारे पास दो मीडियम होते हैं, एक एयर और दूसरा ग्लास। इसके अलावा कोई भी मीडियम होता है तो उसकी मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट होती है सी इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास आपका फर्स्ट मीडियम हो गया और एयर आपका सेकेंड मीडियम हो गया, इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए एन जी ए, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया जी ग्लास के लिए, ए एयर के लिए, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और इसके अलावा हम इसे सी अपॉन में वी भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सबके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैप्टर की लास्ट वीडियोज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें वैक्यूम में या फिर एयर में, तो 3×10⁸ होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर की वो लेस होती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया दो मीडियम्स लेते हैं हम, एयर और ग्लास। तो इस टाइप से जब हम दो मीडियम्स को लेते हैं, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इनका जो फॉर्मूला बनता है वो थोड़ा सा अलग बनता है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है, अगर आपका एयर पहले है और ग्लास बाद में है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वी अपॉन में सी हो जाता है। और वहीं ऊपर वाले केस में जब आपने देखा था, तो जी मतलब कि ग्लास पहले था और एयर बाद में था, तो उसे आपने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मींस कि जो बाद वाला नंबर होता है या अल्फाबेट होता है उसे हम ऊपर लेते हैं, और जो पहले वाला होता है उसको हम नीचे लेते हैं, और इसी के बिहाफ पे आपका ये फॉर्मूला बनता है। बहुत बार केसेस ऐसे होते हैं जब हम मीडियम को एयर और ग्लास से ना डिफाइन करके मीडियम वन और मीडियम टू ले लेते हैं, उस केस में आप इसे वी वन और वी टू से शो करेंगे। देखिए यहाँ पे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। यहाँ पे आपके दो मीडियम है सेपरेट सेपरेट। इन केस अगर आपके पास ग्लास या एयर के अलावा कोई मीडियम हो, या फिर यही मीडियम हो बट आप ग्लास और एयर ना मेंशन करके मीडियम वन और मीडियम टू को मेंशन करते हैं, तो उस टाइम पे हम इसे वी वन और वी टू से लेंगे। अब देखिए इन दोनों के लिए भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, जैसे हम ग्लास और एयर का लेते हैं वैसे ही टू वन, टू मीन्स आपका सेकेंड मीडियम, वन मीन्स आपका फर्स्ट मीडियम, तो वी वन अपॉन में वी टू हो गया। और जब आपका फर्स्ट मीडियम पीछे होता है तो उस टाइम पे वी टू अपॉन में वी वन हो गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मुलेस थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का ही पार्ट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो आपका यहाँ पे वैक्यूम भी हो सकता है और एयर, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसके लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फर्स्ट वाला जैसे ऊपर हमने पढ़ा था वही सेम रहता है, एन इज इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो गया एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट अगर ग्लास पे या सेकेंड मीडियम की बात करते हैं तो उसे आप वी से शो करेंगे। इसके अलावा सी की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और वेलोसिटी की बात करें तो वी मीन्स आपके वेलोसिटी हो गई जो किसी और मीडियम में हो जाएगा। नाउ यहाँ मैंने आपको तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये वाला क्वेश्चन वन मार्कर्स में पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है। सो फर्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.52, और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास डायमंड का होता है विच इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्फेरिकल लेंस।
जिस तरीके से हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे उसमें हमारे पास दो टाइप से कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर, बिल्कुल सेम आपके पास जब स्फेरिकल लेंसेज आप पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। स्फेरिकल लेंस का मतलब होता है कोई भी ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय द टू सर्फेसिस बाय ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म्स आ लेंस। दोनों जो आपके सर्फेसिस होंगे वो स्फेरिकल होके एक लेंस बनाते हैं। अब जब स्फेरिकल लेंस की बात करते हैं उसमें भी सेम मिरर वाले टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। ऐसे लेंस में आता है तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अब मैंने आपको नीचे एक टेबल की फॉर्म में दे रखा है चार्ट, इसमें आपका क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस भी आ सकता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर या तो कॉन्वेक्स लेंस को या फिर कॉन्केव लेंस को डिफाइन करना आ सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं या फिर इनके ये दोनों रे डायग्राम्स के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस का, ये शेप होती है कॉन्वेक्स लेंस की। अब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये आउटवर्ड होता है, उसके अलावा ये कॉर्नर्स पे थिन होता है एंड थिक एट द सेंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये मीट करता है और सेंटर में जाके ये थोड़ा सा ब्रॉड होता जाता है। उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये अंदर की साइड थोड़ा फैला हुआ होता है, उसके अलावा इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं बट ये सेंटर से इसका साइज कम होता जाता है। नाउ डाइवर्जिंग लेंस होता है ये, क्योंकि जितनी भी रेज होती हैं इसको ये डाइवर्ज कर देता है। लेकिन जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो ये कन्वर्ज करता है, मीन्स कि मिरर से पास होके आपकी इमेज बिहाइंड द लेंस बनती है। अब देखिए अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है और ये आपका कॉन्केव लेंस का है। यहाँ से रेज आपकी इन्फिनिटी से आ रही है क्योंकि यहाँ से कोई पॉइंट मीट नहीं कर रहा, ये आपकी इन्फिनिटी है। ये जो सेंटर पॉइंट है जिसमें मैंने F1 और F2 मार्क किया ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऊपर से यहाँ से ये रे ये प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों रेज पैरेलल में है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, और जहाँ पे दो से ज़्यादा रेज मीट करती हैं उसे हम इमेज का नाम दे देते हैं या वो आपका फोकस मार्क कर देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ये सारी इमेजेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिल रही हैं जो उसकी F2 है। तो ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस। वहीं पे आप देखिए कॉन्केव लेंस की जब हम बात करते हैं, सेम यहाँ से आपकी रेज इन्फिनिटी से आ रही है बट क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है ये रेज को डाइवर्ज करेगा, तो जो आपकी रेज है ये यहाँ से आने के बाद ये ऊपर की साइड चली जाएगी और ये वाली नीचे की साइड चली जाएगी। अब आप इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों रेज हैं आगे जाते जाते इनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब कि किसी भी एंगल से हमें नहीं लग रहा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करेंगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि ये अब आगे जाके नहीं मिल सकती हैं तो हम वापस से देखते हैं कि ये जो रेज हमारी जो जा रही है इनकी हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी इमेज है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये सारी रेज मिल रही हैं जिसको आपने F1 दिया, और यही सेम F1 और F2 और ये आपका सेंटर हो गया जहाँ पे उसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस दिया नाम। अब जब कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी इमेजेस बन रही है। इसके अलावा जो ओ एफ वन या ओ एफ टू है इसे आप फोकल लेंस से डिनोट करेंगे दोनों मिरर्स में। उसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस का देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज होता है टू द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ वन नोन एज द प्रिंसिपल फोकस, और कॉन्केव लेंस आप हमेशा डाइवर्जिंग लेंस है तो इसलिए ये डाइवर्ज करेंगे और इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको आप प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में डिफरेंस था, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा फ्यू बेसिक टर्म्स है जो स्फेरिकल लेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे। जब हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था उसमें भी हमने कुछ टर्म्स को यूज़ किया था। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास दोनों लेंसेज हैं, फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस सेकंड है कॉन्केव लेंस। ये सारे पॉइंट्स जिस पे मार्क होते हैं उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, बीच में आपका सेंटर हो गया तो इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ये F1 और C1 है, आप C1 की जगह पे यहाँ पे 2F1 भी लिख सकते हैं, और इसके राइट हैंड साइड पे जो है ये F2 और C2 है, C2 की जगह पे आप 2F2 भी ले सकते हैं। ये आपका फोकल लेंथ हो गई और ये आपका रेडियस हो गया। ऐसे ही सेम आपका कॉन्केव लेंस के साथ है। अब मैंने यहाँ पे आपको नोट्स की फॉर्म में दे रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर एंड फोकस ऑफ लेंस। तो ये सारे पॉइंट्स जो ऊपर आपने रे डायग्राम देखा है उसी को ये डिफाइन करते हैं।
अब सिंबल्स के बाद या जो टर्म्स हम यूज करेंगे उसके बाद में हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके क्या रूल्स हैं जब आप इमेज बनाएंगे या फिर रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो उसमें हमारे पास टोटल 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल कहता है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ द लेंस। इसका मतलब है ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया F1, F2, C1, C2। आप C1 की जगह पे 2F1 भी ले सकते हैं, मैंने आपको लास्ट समझाया थी ये चीज। अब इसमें देखिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, तो हमने ये रे ड्रॉ करी है पैरेलल में आ रही है, तो उसके बाद में ये हमेशा पास करेगी फोकस से, तो ये आपका F2 से इस रे ने पास आउट किया। ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल अमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर कोई रे आपके फोकस से आती है तो वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो इसमें देखिए आप जैसे यहाँ से आपकी एक रे आती है फोकस से पास होते हुए रिफ्रैक्शन के बाद में ये यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बिल्कुल पैरेलल में ये रो चली जाएगी, सॉरी रे। नेक्स्ट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 marker क्वेश्चन भी बन जाता है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब होता है जो सेंटर पॉइंट ओ है, विल पास विदाउट एनी डेविएशन। इट मीन्स कि कोई भी रे जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधा क्रॉस करते हुए आर पार हो जाती है, मतलब वो बिना किसी डेविएशन के एक लेंस से पास कर जाती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 1 marker कि किस सिचुएशन में कोई भी जो रे है वो विदाउट डेविएशन जाती है, तो जब आपकी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो देखिए यहाँ से ये रे आई, ये आपका सेंटर पॉइंट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से इस रे ने क्रॉस कर दिया। सो इस वीडियो में हमने रूल्स तक पढ़ा है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं कॉन्वेक्स लेंस के और कॉन्केव लेंस के, उसके अलावा लेंस फॉर्मूला और पावर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।